युवाओं को आज़ादी के इतिहास की जानकारी और देशभक्ति पैदा करने के मकसद से दूरदर्शन स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल की श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसका पहला एपिसोड 14 अगस्त को रात 9 बजे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें कुल 75 एपिसोड दिखाए जाएंगे। इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों की बहुत सी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। वहीं दूरदर्शन केंद्र शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अमरेंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि सीरियल की 9 क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में डबिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं में सीरियल का प्रसारण 20 अगस्त से दूरदर्शन के रीजनल चैनलों पर रात्रि 8 से 9 बजे तक किया जाएगा। इस सीरियल को 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा भी प्रसारित किया जाएगा। स्वराज क्या है, यह हम आप सभी जानते हैं। यह एक धारावाहिक है जो 75 एपिसोड में दूरदर्शन डीडी नेशनल ने बनाया है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1948 से लेकर के अब तक की समग्र गाथा उसमें पिरोई गई है। और इस सीरियल को प्रत्येक रविवार को डीडी नेशनल पर रात 9 बजे से 10 बजे तक शुरू किया जाएगा। ये 14 अगस्त से पहला एपिसोड आरंभ हो रहा है और एपिसोड प्रत्येक रविवार को 9 बजे से 10 बजे तक 75 सप्ताह तक लगातार दिखाया जाएगा। और इसमें जो अभी मैंने अपने संबोधन में कहा था कि इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने प्रयास किया है, और इतना ही नहीं बल्कि 9 भाषाओं में इसकी डबिंग की जा रही है और इनकी डबिंग करके वहां की आंचलिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और असमिया। इन भाषाओं के का जो प्रसारण है वो दूरदर्शन के रीजनल चैनल पर भी किया जाएगा, जो वहाँ के स्थानीय चैनल है, रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस सीरियल का केवल दूरदर्शन पे ही नहीं, हमारे आकाशवाणी के जो केंद्र हैं पूरे भारत में स्थित, सभी केंद्रों से प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो समीक्षा के तौर पर हम इतना ही ये भी कहना चाहेंगे कि इसको सभी लोग देखें, प्रेरणा लें। देशभक्ति क्या होती है, जज्बा क्या होता है, देश के प्रति जुनून क्या होता है, हर घर तिरंगा जो हम फहराने की बात कर रहे हैं उसके पीछे प्रेरणा क्या है, 75 साल जो हमारे पूर्ण हो रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव जो हमने मनाया उसके पीछे हमारी लक्ष्य, जिन वीरों ने, शहीदों ने, जिन माओं ने अपने पुत्र और पति कुर्बान किए, सोचिए कि कितनी कुर्बानी के पास ये आज़ादी मुझे मिली होगी, हमारे देश को मिली होगी, क्या हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हम कितना सहयोग कर पाते हैं। छोटे छोटे योगदान से, छोटे छोटे प्रयास से आज हम सनेह सनेह 75वीं आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। और आप सभी से अपील करूंगा कि हम जितने लोग हैं कम से कम अपने घरों में तिरंगा फहराएं 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, और आज़ादी को माहौल में, खुशनुमा माहौल में अच्छे तरह से मनाएं, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में।